वेलकम बैक, दिस इज आवर सेकंड क्लास। हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने इंट्रोडक्शन करी थी। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व टू सॉल्व द इक्वेशन टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली हमने पढ़ाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने बहुत सारी चीजें करी थी, ठीक है। अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो घर जाके आराम से अपने लास्ट क्लास को देखनी है, ठीक है। तो पहले क्लास आराम से करिएगा, उसके बाद इस क्लास को आराम से करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोई भी डाउट है तो मैसेज करें, कोई इशू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन भी है तब भी, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तब भी आपको मेरे को इंटीमेट करना है, ग्रेट। आप मूव ऑन टू दी टॉपिक की आपके पास ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज हम करने जाएंगे कि एल्जेब्रिकल वे क्या रहती है, ठीक है। एल्जेब्रिकली हम कैसे करते हैं, इससे पहले जब भी आपके सिस्टम, ये जो है हमारे पास जो है ये सिस्टम है साहब, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड दिस इज ए टू एक्स प्लस This is B2y plus C2 is equal to zero. ये आपके पास पहला इक्वेशन है, this is the second equation. इन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। वो अननोन कौन कौन सी है, एक्स और वाई है। दोनों की डिग्री क्या है सर, वन है, इसीलिए लीनियर है, ठीक है। तो एक्स की डिग्री भी वन है, वाई की डिग्री भी वन है दोनों इक्वेशन पे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई है, कंप्लीट। अब क्लास क्लास में हमने जब भी रेशियो आपके पास है ए वन अपॉन ए टू is not equal to b1 upon b2, in that case, आपके पास क्या होनी है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी है, ठीक है, इंटरसेक्ट करनी है। ये हमने करा था, ठीक है, ग्रेट। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या हुआ सर, a1 upon a2 if not equal to b1 upon b2, in that case सर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करता है तो हम कहेंगे ये जो कॉमन पॉइंट है इज द सॉल्यूशन। और हम जानते हैं ना इन क्लास में कि दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही रहता, दोनों रहता है, तो वो जो कॉमन पॉइंट है इज द सॉल्यूशन, वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहती है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। अब सेकंड केस में क्या रहा सर, सेकंड केस में मेरे पास है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 which is equal to c1 upon c2, in that case ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड करता है, ठीक है, कोइंसाइड करता है। अगर जब कोइंसाइड करता है तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो दूसरे लाइन के ऊपर है और दूसरे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो पहले लाइन के ऊपर है, तो हमारे पास क्या हुआ सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। जब भी सिस्टम का सॉल्यूशन रहता है इसे हम कहते हैं, कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों केसेस में आपके पास क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है, कंसिस्टेंट है सर, कंसिस्टेंट ही है। सेकंड केस में क्या आपके पास, थर्ड केस में क्या होनी है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, तो वो तीनों लाइन, वो दोनों लाइन क्या रहेगी आपके पास, क्या रहनी है, दोनों लाइन पैरेलल रहनी है, ठीक है। तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 which is equal to c1 upon c2, in that case ये दोनों, ओके सॉरी माफ करिएगा, हमारे पास जब भी ये रहता है तब क्या रहती है, कोइंसाइड करता है, माफ करना, जब ये रहती है तब कोइंसाइड करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हुआ सेकंड केस, वाला सेकंड केस नहीं था। थर्ड केस क्या हुआ सर, थर्ड केस अब रहती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 which is not equal to c1 upon c2, याद रखना, जो हमने अभी ये जो कहा ये आपके पास जो है ये वाला चीज यहां पे a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, हाँ सही है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन दैट केस आपके पास क्या रहेगी, कोइंसाइड करेगी, सही है, कोई गलत नहीं था। अब क्या हुआ सर, थर्ड केस में है a1 upon a2 b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, इन दैट केस आपके पास जो दो लाइन रहती है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहती है, तो यहां पे नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आना। मतलब क्या हुआ,
कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं मिलेंगे जो पहले इक्वेशन को भी सॉल्व पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ग्रेट। तो जब भी सोल्यूशन नहीं होता है, इन दैट केस हम सिस्टम को कहते हैं दिस इज द इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सिस्टम क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहती है, ग्रेट। अब सर नेक्स्ट मूव करते हैं अलजेब्रिकल वे ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। तो दूसरा आपके पास कौन से है मेथड सर, अलजेब्रिकल मेथड है, ठीक है। तो क्या हुआ, अलजेब्रिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है, ग्रेट। तो आपके पास क्या है, दिस इज द अलजेब्रिकल मेथड है, अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड में तीन चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला आपके पास है दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड सेकंड सर दिस इज सेकंड इज इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहती है और इलिमिनेशन मेथड क्या रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास है x माइनस y इज इक्वल टू 3 है, क्लियर। अब आप रेशियो चेक करें, देखिए रेशियो चेक करें, हमने शुरू में कहा a1 upon a2 सर 1 upon 1, b1 upon b2 1 upon negative 1। तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, in that case, इसमें क्या हुआ सर, जो दो लाइन आनी है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, आपके पास सोल्यूशन क्या रहनी है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। यह आपके पास पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आनी है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम करेंगे किससे सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, ठीक है। दिस इज द मेन मोटिव। तो करनी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, याद रखना स्टेप बाय स्टेप, इनमें से आप पहला स्टेप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए। पहले इक्वेशन लिया मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखने की कोशिश करें, चाहे एक्स को वाई के टर्म्स में चाहे वाई को एक्स के टर्म्स में, ठीक है। पहला काम ये करनी है। तो क्या करनी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है, सेकंड को फर्स्ट, ये यहां पे है फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट में से क्या करनी है सर, जो आपके पास वाई है इज नथिंग बट सर 4 माइनस एक्स आया, क्लियर है। तो वाई इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स आया, इसको आप इक्वेशन मानेंगे, थर्ड इक्वेशन मानेंगे, कंप्लीट। y in terms of x लिख दिया। अब क्यों क्या, अब क्या करनी है, आप जिस इक्वेशन को आपने यूज नहीं करा, किसको यूज नहीं करा, सेकंड इक्वेशन को, उसमें जहां जहां y है वहां पे 4 माइनस x आप पुट कर लिए, पुट कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट यही हुआ। तो सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4 माइनस x आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको क्या करनी है, आपने करनी है सर पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 1 x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 माइनस x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन था क्या, x माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेकंड इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो आपके पास सर x माइनस y इज इक्वल टू 3 सेकंड इक्वेशन है। दिस इंप्लाइज जहां y है वहां पे ये पुट करनी है, x माइनस y की जगह पे सर 4 माइनस x इज इक्वल टू 3। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहना है हमेशा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, इसको देखिए x नेगेटिव, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ 4, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज x x यहां पे 2x हुआ, 2x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज क्या, आप आराम से सॉल्व करें, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हुआ। दिस इंप्लाइज x is equal to 7 divided by 2, तो ये आपके पास x आया। अब y कैसे करनी है, इसी x को इक्वेशन 3 में पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 3 ये है, y is equal to 4 minus x,
यहां पे x के बदले में आपको 7 अपॉन 2 पुट करनी है, आपको क्या निकलनी है, y निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में आपको पुट करनी है। दिस इंप्लाइज, सॉरी दिस इज व्हाट x है, ग्रीक। तो पुट x इक्वल टू 7 अपॉन 2 इन, तो y इज इक्वल टू क्या लिखनी है, y is nothing but 4 minus x, तो ये रहेगा सर 4 minus 7 upon 2, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 8 में से 7 गया तो 1, तो y is equal to 1 upon 2, ठीक है, तो x equal to 7 upon 2 and y is equal to 1 upon 2 is the required solution, ठीक है, तो आपके पास solution क्या आया, 7 upon 2 and y upon 2, ठीक है, तो आपके पास जो 7 upon 2 and 1 upon 2 जो आया, ये कहां पे लाए करती हैं, lies in the first quadrant, क्योंकि दोनों क्या ये sign क्या है, positive है, तो ये जो आपके पास sign आया, ये क्या आया, this is a solution है, और ये हमेशा हम जानते हैं graphically intersect करती हैं, तो intersecting point ये है, ठीक है, तो हमने कैसे करा, substitution method से, ठीक है, substitute करा, तो कैसे करा substitute में, एक equation, first equation, second equation आपके पास है, या पहले equation लीजिए या second equation लीजिए, first वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में आपको लिखने की कोशिश करनी है, वहां से और इक्वेशन निकल जाएगा, उसको आपको जो आपने यूज इक्वेशन नहीं करा उसमें पुट करनी है, ऐसा कुछ चीजें निकल के आ जाएगी, ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है जी। सपोज और एक क्वेश्चन लेते हैं सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास है सर, इसे सर 2x + y is equal to 3 है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है सर मेरे पास 4x + नेगेटिव y इज इक्वल टू, दिस इज 2 है फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मैं पहले इक्वेशन को लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखे या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखे, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या, मेरे पास क्या है सर, 2x इज इक्वल टू 3 minus 5, क्योंकि ये positive y उधर जाएगा, ठीक है, तो this implies x is equal to 3 minus y divided by 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास है equation third। अब x equal to 3 minus y divided by 2 कहां पे put करनी है, second equation में, कहां, जहां जहां x है, तो यहां x है, यहां पे आपको 3 minus y divided by 2 पुट करनी है, ठीक है, तो यहां पे पुट करके देखते हैं, ठीक है, पुट करके आराम से देख लेते हैं क्या सा क्या रहते हैं, ठीक है, तो मेरे पास सर x की जगह पे, ठीक है, तो पुट x इन सेकंड में पुट करके देखिएगा सा क्या है, ठीक है, तो आराम से करेंगे, तो हम 4 राइट, x क्या है सर 3 negative y minus y divided by 2, उसके बाद आगे क्या है minus y is equal to this is the 2, तो क्या हुआ यहां पे y है दोनों में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 2 जा 4, ये इक्वेशन बना 2 into 3 minus y is equal to 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है सर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को y से भी मल्टीप्लाई करें, तो क्या हुआ सर 2 3 6 negative of 2y is equal to 2, यहां से क्या रहेगा सर 6 negative of 3y is equal to 2, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, तो आराम से आप यहां से y की वैल्यू ले लें, जो y की वैल्यू आएगा उसको कहां पे पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, किसी को कोई डाउट, ग्रेट। अब कंसीडर करें, देखें बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई और एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, यहां से देखिए मेरे पास है सर x + y is equal to 2 है, ध्यान से देखना, और मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन को 2x + 2y is equal to 4, ये पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन कंप्लीट। अब आपको सॉल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इक्वेशन लीजिए सेकंड इक्वेशन लीजिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट इंप्लाई सर फर्स्ट में क्या करनी है, फर्स्ट में आपको x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लिखने की कोशिश करनी है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2 minus x हो जाएगा, जो आपके पास आया उसको आपको इक्वेशन थर्ड करनी है, राइट। अब आप क्या करोगे y इज इक्वल टू 2 minus x सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है, तो पुट y इन
इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, तो क्या हुआ सर, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 2 y के बदले पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर है? तो ये हुआ सर, दिस इज 2x प्लस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 को x से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 सा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4, क्लियर है? 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, अब यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज 2x है प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स लिखा, वाई की जगह पे 2 माइनस एक्स लिखा, ठीक है? तो 2 सा 4 माइनस, दिस इज 4x है इज इक्वल टू 4, कंप्लीट, ग्रेट, ठीक है, ओके, ठीक है साहब। अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक है, पुट इन इक्वेशन x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 माइनस एक्स हुआ, 2 टू जा 4, यहां पे 2x, हाँ यहां पे गड़बड़ करी, यहां पे क्या रहा, दिस इज दी 2x, ठीक है, ग्रेट, यहां पे नेगेटिव ऑफ 2x, क्लियर है? अब ये 2 टू, ये 4 4 कैंसिल, ये 2 इज 2x कैंसिल, LHS में 0, RHS में 0, यहां पे 0 इज इक्वल टू 0 रहा, अब क्या हुआ, परेशान नहीं होना, हमारे पास x और y नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो जब भी आपके पास ऐसे सिचुएशन आए, राइट हैंड साइड में वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई रियल वैल्यू है, अब आपको चेक करें दैट केस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, हाँ 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू है, तो ये जो स्टेटमेंट जब आप ट्रू होते हैं, जब आप ट्रू स्टेटमेंट आपके पास निकल के आती है, तो हम कहेंगे सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब ये जो दो लाइन है आपस में पैरेलल है, हाँ है भी, क्यों, देखिए फर्स्ट इसको देखिए क्या कर रहे हैं आप, जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, तो ये जो दो लाइन है आपस में क्या रहनी है, आपके पास कोइंसाइड करनी है, इनफाइनाइट में सॉल्यूशन रहेगा, तो ट्रू है तो क्या हुआ सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, तो लाइन जो है दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे सॉल्व करते करते आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ होता, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कुछ होता, क्या इसे मान लीजिए सर 9 इज इक्वल टू 0 आया, क्या ये जरूरी है, क्या ये मुमकिन है 9 इज इक्वल टू 0 आना मुमकिन है, नहीं, क्योंकि 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स है, इन दैट केस आपके पास सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो यहां पर क्या रहेगा, नो सोल्यूशन रहेगा, यानी दो लाइन है आपस में पैरेलल रहनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आराम से सारी चीजें डिस्कस कर ली है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है, ठीक है, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम क्या रहेगा सर, नेक्स्ट आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, दिस इज द सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिकली, वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, निकाल के फेंक देनी है आपको, ठीक है। इसको भी समझेंगे हम कोई भी दो इक्वेशन को लेके, ठीक है, कोई भी नॉर्मल इक्वेशन को लेके आराम से आप समझेंगे क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन वैसा है, देखिए मेरे पास है x प्लस, बहुत सिंपल सा लेते हैं अभी जो लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 2 है, और मेरे पास है सर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन सेकंड है। जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ध्यान रखना है दोनों इक्वेशंस में या तो x की कोएफिशिएंट्स को सेम करनी है या तो y की कोएफिशिएंट्स को सेम करनी है, अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड में x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो सेम नहीं है। यहां पे हमने करनी है सपोज, मान लीजिए x की कोएफिशिएंट को सेम करनी है दोनों इक्वेशंस में, तो कैसे सेम करेंगे, आपको यहां पे 5 आनी है, यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 आनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, इंटायर इक्वेशन को, मैं इस इंटायर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 यहां पे 1 है, 5x plus 5y is equal to 5, 2 are 10, तो इंटायर से करनी है, सबको करनी है, इससे नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स सर, दिस इंप्लाइज फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x plus 5y is equal to 10, पहला इक्वेशन हुआ,
और सेकंड इक्वेशन जैसे तैसे इसको ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं, क्या है सर, 5x plus 2y is equal to 4 है, ठीक है। अब आपके पास x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, यहाँ पे आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, 5 पॉजिटिव 5x नेगेटिव 5x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 5 माइनस 2y, हमेशा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है, 5y में से 2y नेगेटिव किया तो कितना आया, माइनस किया तो कितना आया, 3y, राइट। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आया, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 आया, 3 1 3 3 2 6 y इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। जब y निकल गया तो या पहले इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें, आपके पास क्या आनी है, x आनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन में पुट करता हूं, यहां पे पुट करता हूं, ठीक है। तो y की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस 2, x इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां पे पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो 2, 0 आपका क्या आया, सोल्यूशन आया। हमने क्या करा, इलिमिनेट करा। देखिए जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं या इलिमिनेट करते हैं, होता क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकल के आती हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। देखिए यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया, y is equal to 6 upon 2 या 3y is equal to 6, linear equation in one variable, variable क्या है, y है, ठीक है। तो आराम से आप इसको सॉल्व करें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। जब आप इसको आगे फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट करें, आपके पास अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आते हैं, जो सॉल्व करना आपके पास आसानी रहती है, ठीक है। तो चाहे इलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, आपको क्या करनी है, हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास ग्राफिकली सॉल्व किया आपने, एल्जेब्रिकली आपने दो मेथड लाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एल्जेब्रिकल मेथड में ये तीसरा है, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो तीसरा मेथड क्या रहेगा सर, तीसरा मेथड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड है, ठीक है। अब देखें, ध्यान से देखना है, हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या रहती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपके पास है ये रहती है, क्या, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन सर, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, यहां पे x की कोएफिशिएंट a1 है, y की कोएफिशिएंट a2 है, इसका b1 b2 है। मान लीजिए आप y की कोएफिशिएंट दोनों में सेम करना चाहेंगे, तो क्या करोगे, इस इंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटायर इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y की जो कोएफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन, इंटायर सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है, और वाई का जो कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में उसको इंटायर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप ऐसा करते हो आपके पास वाई की कोएफिशिएंट निकल के आती है, फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ फॉर्मूला बन के आती है, वो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद रखना, नोट यहां पे मैं नोट लिखता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो नोट क्या रहेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा जब भी यूनिक सोल्यूशन रहती है, ओनली फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक यानी एक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है, in that case हमें ये apply करनी है, otherwise apply नहीं होना है, ठीक है। तो जब भी यूनिक सोल्यूशन आनी है आपको क्या करनी है, ये आपके पास ये मेथड आपको लगानी है। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रहता है, देखिए ध्यान से, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा है अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब आप इनको क्रॉस अप करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज, इसको क्या हो जाएगा सर, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज नॉट इक्वल टू, ये उधर जाएगा b1 a2, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले आइए, तो ये हुआ सर a1 b2 माइनस b1 a2
इज नॉट इक्वल टू क्या रहा उधर, जीरो। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसको आप सही से एनालाइज कीजिएगा। ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसा रहता है आपके पास यूनिक सोल्यूशन रहता है, जब भी ऐसा रहता है आपके पास क्या रहनी है, यूनिक सोल्यूशन। अभी यही चीज निकल के आएगा कि जब आप क्रॉस करेंगे तो ये चीज कहां पर आपको नजर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो याद रखना, ठीक है। अब जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे सबसे पहले चेक करें कि यूनिक आते ही नहीं आता, आता है तो नेक्स्ट आपको ऐसे मूव करनी है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म अगेन और एक बार लिखेंगे, ठीक है, दोबारा से जनरल फॉर्म, ठीक है, बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, शाबाश। दूसरा है दिस इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें दिस इज द मेथड है, ठीक है, वे ऑफ सॉल्विंग है, ठीक है, कैसे आता है, है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कैसे सॉल्व करनी है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको लिखनी है यहां पे x है y है, वन लिखनी है। सबसे पहले y की कोएफिशिएंट लिखिए b1 b2, दिस इज सर b1 b2, उसके बाद c1 c2 लिखे c1 c2, उसके बाद a1 a2 लिखे दिस इज a1 a2 a1 a2, और लास्ट में आपको b1 b2 अगेन रिपीट करनी है, b1 b2 है, क्लियर। B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2. बहुत सिंपल सा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y, इन दोनों के बीच में 1 है, ठीक है। क्रॉस करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से करना। देखिए मैं क्या करता हूं सर, मैं क्या करता हूं, कलर चेंज करता हूं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, और मैं कलर चेंज करता हूं इन दोनों के लिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको नेगेटिव साइन का यूज करनी है, ठीक है। तो जब आप यहां पे ये कलर जब आप यूज करोगे तो नेगेटिव साइन करनी है, समझ में आ रहा है चीजें, क्लियर है, ठीक है। तो हमें चाहिए एक्स चाहिए वाई चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या किए सर, बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू बी वन बी टू, और दो तीन एरो लगाए, ठीक है, ब्लू कलर का और ये रेड कलर का, ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, ठीक है, ग्रेट। अब क्या करेंगे यहां पर एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x is equal to क्या करनी है, क्या आपको क्या करनी है, x is equal to, okay, sorry, ठीक है, x divided by, ध्यान से देखिए, x divided by, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, b1 c2, जब आप रेड वाले को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे नेगेटिव लगेगा, ये नेगेटिव लगनी है, b2 c1, B2 C1 है, which is equal to y divided by, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, C1 A2 है, तो C1 A2, again negative two, क्योंकि red वाले को मल्टीप्लाई करनी है, C2 A1, C2 A1, is equal to 1 divided by, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है, A1 B2, ठीक है, negative of B1 A2 है, clear है, यहां तक समझ आया। उसके बाद आपको क्या करनी है, जब आप ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब पहला वाला और लास्ट इक्वल है, सेकंड और लास्ट इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं इसको अगेन मिटाता हूं, ठीक है। तो यहां से हमें चाहिए सर, यहां से हमें चाहिए x, तो फर्स्ट और लास्ट को कंप्यूट कीजिएगा, तो x इज इक्वल टू, जब आप इसको क्रॉस करेंगे हमें मल्टीप्लाई करेंगे, बी टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ये आपके पास निकल आया x निकल आया। y चाहिए तो सेम y, इसको यहां पे जो डिनोमिनेटर में जो चीज है रियल नंबर है इसको यहां पे मल्टीप्लाई करें तो y निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, जो कि हमने कहा ये वाला फैक्टर a1 b2 माइनस b2 a1, जब भी आपके पास रैशनल नंबर रहती है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वह हमारे पास गारंटी देती है कि चूंकि यूनिक सोल्यूशन है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, हमने वहां से कंडीशन पढ़ा था कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो आ रहा था, तो आपके पास x और y यहां से आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहां पे रुकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं, ठीक है। ये आपके पास हमने करा ये, ठीक है, हाँ, ये वाली कंडीशन a1 upon a2 is should not be equal to b1 upon b2, यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो a1 b2 माइनस b2 a1 should not be equal to zero। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, जब आपके पास ये है तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप पोस्ट कीजिएगा। तब कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, लेक्चर केमिस्ट्री बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल का। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 10, दैट्स हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। होप आप लोगों ने कुछ काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा, जैसे क्लोरामफेनिकोल एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर करते हैं जो सॉइल में होते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है फेवर की ट्रीटमेंट के लिए। या अगर हम बात कर लें थायरोक्सिन की, तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें गॉइटर होता है। या अगर हम बात कर लें क्लोरोक्वीन की, ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल होता है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह हम बात कर लें हेलोथेन की, तो हेलोथेन एक पावरफुल केमिकल है जिसका हम सर्जरीज में इस्तेमाल करते हैं एज एनेस्थेसिया। या इसी तरह अगर हम बात कर लें फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स की, इनका ये देखा गया कि इनकी ऑक्सीजन कैरी करने की टेंडेंसी है, तो ये एक अल्टरनेट की तरह एक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरीज, यानी अल्टरनेट ऑफ ब्लड। इसी तरह अगर हम बात कर लें हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स की, जैसे ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उसमें चिप्स और सेमीकंडक्टर्स को साफ करने के लिए। तो कहने का मतलब ये तमाम जो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये सभी जो कंपाउंड्स हैं वो हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरिन्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल मैं आपको बता दूं कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स को जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्रिग्नार्डस्ट्रीजन बनता है, और ग्रिग्नार्डस्ट्रीजन का इस्तेमाल करके हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सिंपल में कहूं तो मैं कहूं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स बहुत सारे कंपाउंड्स का की प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। तो आप लोगों को आइडिया आया होगा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम शुरू कर लेते हैं कि चैप्टर के दो पार्ट से, एक हेलो एल्केन है और दूसरा हेलो एरिन है। तो पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स डियर स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना क्या है इस यूनिट में, मैं आपको पहले यही बता दूं। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपका पूरा सिलेबस है। तो पहले हम शुरू कर लेंगे हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स है क्या। मैं आपको सिंपल बता दूं, होप आप लोगों ने एल्केन्स के बारे में सुना होगा, जिनका जनरल फॉर्मूला लिखते थे हम CnH2n+2। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम अलग कर लें, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1, तो इस पार्ट को हम अल्काइल पार्ट कहते हैं, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R से। और R के साथ अगर हम हाइड्रोजन वापस जोड़ लें तो हमें एल्केन बनने वाला है। तो सिंपली मैं ये कह हूं कि एल्केन को हम दिखा सकते हैं RH से। अगर हम क्या कर लें, एल्केन में प्रेजेंट एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव कर लें और उसके जगह पे अगर हम हैलोजन ऐड कर लें, तो हमें एक नया क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाएगा जिसमें अल्काइल पार्ट के साथ हैलोजन जुड़ा होगा। तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को जनरली हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा वो आर एक्स बन जाएगा। यहां पे जो आर है वो अल्काइल पार्ट है और जो एक्स है वो हैलोजन हैलाइड है। तो इसलिए कॉमन सिस्टम में जो हेलो एल्केन्स है उनको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम हेलो एल्केन्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। Mm-hmm.
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन्स के क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से सबसे पहला जो मेथड है हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई करने का, जो सबसे पहला बेस जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है कि जो हेलो अल्केन आपके पास है उसमें कौन सा हेलोजिन प्रेजेंट है, नेचर ऑफ द हेलोजिन या टाइप ऑफ द हेलोजिन ले सकते हैं, टाइप ऑफ द हेलोजिन, यानी हेलोजिन कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हेलो अल्केन को हम चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर अल्काइल पार्ट के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा होगा तो हम उनको फ्लोरो अल्केन्स कहते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो अल्केन्स कहेंगे, अल्काइल पार्ट के साथ अगर Br जुड़ा होगा तो ब्रोमो अल्केन्स कहेंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर I जुड़ा होगा तो उसको हम आयोरो अल्केन्स। ये चार टाइप्स हो गए ऑन द बेस ऑफ कि यहाँ पे जुड़ा हुआ हेलोजिन वो कौन सा है, फ्लोरिन है या क्लोरिन है या ब्रोमिन है या आयोडीन है। तो उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो ये है कि जो कंपाउंड आपके पास है उसके एक मॉलिक्यूल में हेलोजिन के कितने एटम्स है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजिन एटम्स। जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसमें हैलोजन हैलोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक तरीके हो सकता है अगर फर्स्ट फ्लोर जो जिस बारे कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल में अगर हैलोजन का एक ही एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन जिनको हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरह अगर क्या होगा कि अब साथ में यहां पे बात कर लें कि जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं उनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में या चार पार्ट्स में कह सकते हैं। इस बेसिस पे वो ये है कि जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हम हेलो अल्केन्स को, मोनो हेलो अल्केन्स को चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द कार्बन। जैसे देखो, मैं इसे बता दूं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है अगर उस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन ही जुड़े होंगे तो इसको हम मिथाइल हैलाइड कहते हैं। इस तरह अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप का कार्बन जुड़ा होगा तो उसको हम प्राइमरी हैलाइड्स कहते हैं या प्राइमरी हेलो अल्केन्स कह सकते हैं। इसी तरह जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ अगर दो अल्काइल यानी अल्काइल के कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको हम सेकेंडरी हेलो अल्केन कहते हैं। इसी तरह अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ अगर तीन कार्बन जुड़े होंगे यानी तीन कार्बन, थ्री कार्बन तो अल्काइल जुड़े होंगे तो उसको हम टर्शियरी हेलो अल्केन कह सकते हैं। तो ये हो गए चार टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन बेस्ड ऑन द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। अगर कार्बन मिथाइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो मिथाइल हैलाइड, अगर प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी हेलो अल्केन और टर्शियरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो टर्शियरी हेलो अल्केन। तो अब हम बात कर लेते हैं डाई हेलो अल्केन्स की। डाई हेलो अल्केन्स नाम से पता चलता है डाई हेलो अल्केन्स यानी वो हेलो अल्केन जिसके एक मॉलिक्यूल में हेलोजन के दो एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उनको हम जनरली कहते हैं डाई हेलो अल्केन्स। अब डाई हेलो अल्केन में जो दो हेलोजन हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे यानी वो कहां पे जुड़े हैं उसके बेसिस पे उनको हम जनरली तीन ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। उसमें से एक टाइप बन जाता है जिसको हम जनरली कहते हैं जिम डायहैलाइड या जिमिनल डायहैलाइड भी कहते हैं। जिमिनल डायहैलाइड क्या होते हैं याद रख लेना, अगर जो हेलो अल्केन आपके पास है उसमें सेम कार्बन के साथ अगर दो हेलोजन जुड़े होंगे, सेम कार्बन के साथ दो हेलोजन जुड़े होंगे तो उनको हम जनरली कहते हैं जिम डायहैलाइड्स। जैसे हम बात कर लें इस कंपाउंड की, ये कंपाउंड फर्स्ट कर लो, ये एक कंपाउंड है डाई हेलो अल्केन जिसमें क्या है सेम कार्बन के साथ दो हेलोजन यानी क्लोरीन जुड़े हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिम डायहैलाइड्स। इसी तरह दूसरा टाइप जो बन जाएगा
वो उसको हम कहते हैं विस्टर्नल डायराइड्स, और इस तरह यहाँ पे जो तीसरा टाइप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पॉलीमिथाइलीन डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स इसमें क्या होता है कि CH2 जुड़े होंगे बहुत सारे, जनरली N का जो वैल्यू है वो मोर देन 2 होना चाहिए, और एंड्स में अगर हैलोजन जुड़ा होगा, एंड्स में एक कार्बन का चेन होगा और कार्बन के चेन के एंड्स में अगर एक एक हैलोजन जुड़ा होगा, दो हैलोजन जुड़ेंगे, तो उनको हम जनरली कहते हैं पॉलीमिथाइलीन डाइहैलाइड्स। तो ये आ गए जो डाइहैलाइड्स हैं उनकी तीन टाइप्स। तो उसके अलावा इसी तरह अगर फर्ज कर लो तीन हैलोजन जुड़े होंगे तो उसको हम ट्राइहैलाइड्स कहेंगे या ट्राइहैलो एल्केन्स कहेंगे, अगर चार होंगे तो टेट्रा सो। और उसके अलावा हैलो एल्केन्स या हम कहें हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करने का और एक भी तरीका है, वो ये है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उस बेसिस पे भी जनरली हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसमें से एक क्या होगा, अगर ऐसा होगा देखो अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है कि उसने चार सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, तो ये एक टाइप बन जाएगा। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया, जो हम पहले जो क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे, वो सभी इसी टाइप में आ जाता है। इसमें क्या है, हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। तो इसमें इसके अलावा कुछ और कंपाउंड भी आ जाते हैं, जैसे एक कंपाउंड पॉपुलर कंपाउंड अगर ये है इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं, यानी हैलोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है जिस कार्बन के साथ जिस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन तो बेशक sp3 है, मगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनको जनरली हम एलाइलिक क्या कह सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स कह सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स में ये कंपाउंड भी इसके एग्जांपल में आ सकता है, अगर फर्ज कर लो बेंजीलिन है, बेंजीलिन के साथ यहाँ पे CH2 जुड़ा है और यहाँ पे X है, तो इसको भी हम एलाइलिक कह सकते हैं, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हैलोजन तो बेशक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, मगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये भी एलाइलिक टाइप में ही आ जाता है, मगर इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, तो इसको बेंजाइलिक कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। इसी तरह अगर हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो एक अलग टाइप बन जाएगा। तो इसमें मेनली दो एग्जांपल्स काफी पॉपुलर हैं, उसमें से एक ये है, फर्स्ट करो डबल बॉन्डेड कार्बन है आपका कंपाउंड है, इसके साथ फर्स्ट करो हैलोजन जुड़ा होगा तो इसको जनरली हम वेनेलिक कहते हैं, जिनको हमें अलग पढ़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स।
नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, यानी नाम कैसे लिखोगे। तो जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दो टाइप का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जो हम क्लास 11 में डिस्कस कर लेते हैं, और एक दूसरा जो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी वेरियस टाइप्स ऑफ हेलोअल्केन्स डिस्कस किया, जैसे मोनो हेलोअल्केन्स, डाई हेलोअल्केन्स, ट्राई हेलोअल्केन्स, इन सब का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए हम अलग अलग करते पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनो हेलोअल्केन्स का। मोनो हेलोअल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे कर लेंगे? देखो, मोनो हेलो अल्किन का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं RX, R यहाँ पे अल्काइल पार्ट था और X हैलाइड था। तो कॉमन सिस्टम में मोनो हेलो अल्किन का जब आपको नाम लिखना होगा तो सिस्टम ये है कि पहले आपको अल्काइल का नाम लिखना है, अल्काइल, और उसके बाद हैलाइड का नाम लिखना है, हैलाइड। तो कॉमन सिस्टम में मोनो हेलो अल्किन का जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड्स। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट में कंपाउंड होगा CH3Cl, इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा कॉमन सिस्टम में, तो पहले आपको इस अल्काइल का नाम लिखना है। तो अल्काइल में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्काइल को हम कहते हैं मिथाइल, तो यहाँ पे क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम जो बन जाएगा वो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह अगर हम बात करें इस कंपाउंड की CH3CH2, फर्स्ट में यहाँ पे Br जुड़ा होगा, तो यहाँ पे इस अल्काइल को जनरली हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। तो नाम याद रख लेना, यहां पे अल्काइल और हैलाइड के नाम के बीच में आपको गैप छोड़ता है। तो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसे हम बात कर लेते हैं इस कंपाउंड की CH3CH2CH2CH2, फर्स्ट में यहां पे Br है, तो इस कंपाउंड का क्या नाम लिखेंगे? तो यहां पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटाइल, Br है तो ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे। अब अगर यही इसी कंपाउंड का अगर दूसरा आइसोमर प्रेजेंट होगा, फर्स्ट कर लो ये CH3CH2Br, अगर ये कंपाउंड होगा तो इसका क्या नाम लिखेंगे? अब यहां पे भी 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे भी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को हम जनरली कहते हैं ब्यूटाइल, तो इसको भी अगर हम ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहें, इसको भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहें, तो दोनों कंपाउंड का नाम सेम आ गया। तो क्या इस्तेमाल करते हैं यहां पे, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसो, जब एक सब्स्टिट्यूशन होती है तो आइसो इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसी तरह और एक एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस करना है, अगर ये कंपाउंड होगा फर्स्ट करना, CH3CH3, और यहां पे फर्स्ट कर लो Br जुड़ा होगा, तो इसको क्या नाम देंगे? इसको आप दो टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हो, जनरली इसको हम नियो भी कह सकते हैं, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूशन है, दो साइड चेन्स हैं, या इसके लिए बेटर है अगर आप, क्योंकि जिस कार्बन के साथ Br जुड़ा है वो टर्शियरी कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ क्योंकि तीन कार्बन जुड़े हैं तो टर्शियरी कार्बन, तो इसलिए इसका जो नाम लिखोगे आप लिख सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लिख सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक चीज याद है ना, जब आप देखो आइसो इस्तेमाल करते हो, नियो इस्तेमाल करते हो, तो उस टाइम पे आपको इस और हाइड्रोकार्बन के नाम के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना है, मगर जब आप सेकेंडरी इस्तेमाल कर लोगे या टर्शियरी इस्तेमाल कर लोगे, सेकेंडरी के लिए HCl लिखते हैं, टर्शियरी के लिए TrCl लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको इस नाम और उसका जो हाइड्रोकार्बन का नाम है उसके बीच में, अल्काइल का जो नाम है उसके बीच में आपको डैश रखना है, हाइफन रखना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का जब आपको नाम लिखना होगा तो आप लिखोगे टर्शियरी करने के बाद क्या लिखोगे? ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो ये हो गया कि आप मोनो हेलो अल्केन्स का कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में कैसे नाम लिखोगे। अब और एक सिस्टम भी है, सबको पता है, जिसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम। तो
आईयूपीएसी सिस्टम में इन कंपाउंड का हम कैसे नाम लिखेंगे? सिंपली आता ना, आईयूपीएसी सिस्टम में मोनो हेलो अल्केन्स का नाम लिखने का तरीका यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के नाम के आगे हेलो एड करना। हेलो का मतलब अगर बी आर होगा तो ब्रोमो, आई होगा तो आयोटो, एफ होगा तो फ्लोरो, बी आर होगा तो ब्रोमो या सी एल होगा तो क्लोरो एड करना है। तो उस टाइम पे इसका जो नाम बन जाएगा वही बन जाएगा, वो बन जाएगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन जैसे बात करो, इस कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे इस बार? क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम क्या करना है, हैलोजन का नाम पहले लिखना है एज ए हेलो, तो इसका नाम आएगा क्लोरो मिथेन, क्योंकि एक कार्बन है, क्लोरो मिथेन हो जाएगा। इसी तरह इस कंपाउंड की बात कर ले तो इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो आपको पहले हैलोजन का नाम लिखना है। आईयूपीएसी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप लिखोगे ब्रोमो इथेन। क्लियर है? अब इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो आईयूपीएसी सिस्टम में क्या लिखोगे? क्योंकि यहां पे कार्बन का नंबर दो से ज्यादा है और दो से ज्यादा, जब भी पैरेंट चेन में कार्बन का नंबर दो से ज्यादा होगा तो आपको नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लोगे तो लेकर बात, यहाँ पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4 पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये पैरेंट चेन हो गए और पैरेंट चेन के यहाँ पे बी आर जुड़ा है तो इसको जैसे हम नाम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, सिंगल बोन इसलिए एन, इसका आईपीएसी नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट। अब इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे ब्रांचिंग है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो यहाँ पे नेचुरल बात आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पैरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन भी शामिल होगा। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आपको ये बन सकती है या आप ये भी ले सकते हो, सेम बात रहेगी। तो उसके बाद इसको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कुछ इस तरह करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट नंबर आ जाए, तो नंबरिंग आपको यहाँ से करना है। हम क्लास अलोन में डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को याद होगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो 1 पोजीशन पे बी आर है और 2 पोजीशन पे भी सबस्टिट्यूएंट है, दैट्स CH3 यानी मिथाइल है। तो इसके बाद आपको पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो ग्रुप, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। तो क्या नाम आएगा इसका यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे इसको हम कहेंगे ब्रोमो, इसको मिथाइल तो अल्फाबेटिकल लिखते हैं, तो ब्रोमो का नाम पहले लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3, तो हो जाएगा प्रो, सिंगल बोन लीजिए प्रो ए। तो इसका आईयूपीएसी नाम आ गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रो ए। इस तरह इस कंपाउंड की बात कर ले, ये कंपाउंड जो हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने यहां पे बनाया था ये कंपाउंड CH3 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 Br। इस कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो यहां पे भी आपको वही करना पड़ेगा, आपको यहां पे भी पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पैरेंट चेन क्या रहेगी यहां पे देखो, आप लॉन्गेस्ट चेन या तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कोई भी लेकर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क हम इसको पैरेंट चेन ले गए तो ये दोनों सब स्टूडेंट्स हो जाए। तो नंबरिंग आपको इस तरह करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, मगर एक नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग या तो यहां से करनी है या तो यहां से कर लेंगे। यहां से कर लेंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 आने वाला है, यहां से भी कर लेंगे तो नंबर 2 आने वाला है, तो कहीं से कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये नंबरिंग हो गई, तो इसका कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 2 पे बी आर भी है, सी एच थ्री भी है, तो बी आर क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है तो इसका नाम पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रो एन। तो ये हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो अल्केन, और कॉमन सिस्टम में मोनो हेलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर आप कैसे कर लोगे। एक चीज से यहां पे आप फोकस कर लेना, स्टूडेंट्स आप आइसो कब इस्तेमाल कर लोगे, नियो कब इस्तेमाल कर लोगे, सेकेंडरी कब इस्तेमाल कर लोगे अल्काइल के साथ, और टर्शियरी कब इस्तेमाल कर लोगे, मैं आपको यहां पे क्लियर कर लूं। देखो आइसो आपको तब इस्तेमाल करना है, पर्टिकुलर ये कंपाउंड है CH2, यहां पे फर्क कर लो CH3 है, और यहां पे फर्क कर लो CH2 है, और यहां पे फर्क कर लो हैलोजन जुड़ा है। तो इस अल्काइल पार्ट को जनरली हम कहते हैं आइसो, यानी आइसो लिखने के बाद 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। तो न्यू तक इस्तेमाल कर लेंगे, याद रख लेना, अगर इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन भी निकल जाए और उसकी जगह पे अल्काइल आ जाए, फर्क लो CH3 आ जाए, तो उस टाइम पे ये बन जाएगा आपको CH3 CH3
CH2, यहाँ पे भी अगर CH3 आ जाए और यहाँ पे फर्स्ट पांच नंबर ग्रुप जुड़ा होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ तीन कार्बन चार कार्बन जुड़े हैं, तो उस टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है नियो। क्या इस्तेमाल करना है? नियो। तो इसका नाम लिखोगे नियो 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल लिखोगे। अब बात कर लेते हैं, अगर फर्स्ट नंबर स्ट्रेट चेन होगी तो उस टाइम पे हम नॉर्मल लिखे एन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड है ना इसके लिए हम एन लिख सकते थे कॉमन सिस्टम का जब नोमेनक्लेचर करते। अब बात करते हैं सेकेंडरी या टर्शियरी कब इस्तेमाल कर लेंगे, तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि फर्स्ट क्लास का एक कंपोनेंट CH3CH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, वो कार्बन क्या है, सेकेंडरी। तो उस टाइम पे आपको टर्म क्या इस्तेमाल करना है, सेकेंडरी। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा सेकेंडरी, आपको देश इस्तेमाल करना है सेकेंडरी, तीन कार्बन इसलिए प्रोपाइल है, उसके बाद हैलाइड लिखना पड़ेगा, सीएल होगा तो क्लोराइड, बीआर होगा तो ब्रोमाइड। अब टर्शियरी का इस्तेमाल कर लोगे तो यह रखें ना कि फर्स्ट क्रम ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा, जिसे यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट क्रम CH3 CH3 CH3, और देखो जो कार्बन यहाँ पे है इस कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़े हैं, तो ये टर्शियरी कार्बन है, और टर्शियरी कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा होगा तो जनरली इस अल्काइल का जब नाम लिखेंगे तो नाम के आगे हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, टर्शियरी इस्तेमाल कर लेंगे, टर्शियरी देश करते क्या लिखोगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो उसके बाद इसका नाम हैलाइड, अगर सीएल होगा तो क्लोराइड, पीआर होगा तो ब्रोमाइड लिख दोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल मोनो हेलो अल्केन्स। तो अब हम बात कर लेते हैं डाई हेलो अल्केन्स का, डाई हेलो अल्केन्स का, डाई हेलो अल्केन्स मैंने आपसे पहले कहा था, जो डाई हेलो अल्केन्स है मैंने कहा था कि तीन टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला टाइप क्या था जिसको हम कहते थे जिम डाई हैलाइड्स, जिम जिम डायहैलाइड्स। तो जिम डायहैलाइड्स मैंने कहा था वो डायहैलाइड जिनमें सेम कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होगा, तो उनको हम जिम डायहैलाइड्स कहते थे। और जिम डायहैलाइड्स का अगर आपको कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना होगा तो जिम डायहैलाइड का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करने का तरीका यह है, आपको लिखना है अल्काइलिन, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, या लिख सकते हो सिंपली अल्काइलिडीन हैलाइड लिख सकते हो, अल्काइलिडीन हैलाइड, यानी डाई अगर आप ओमिट कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, फर्स्ट कर लो सबसे सिंपलेस्ट तो ये है, अगर फर्स्ट तो कार्बन है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसका जब नाम लिखना होगा तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो हम लिखेंगे मिथाइलिडीन डाइहैलाइड, सीएल है तो क्लोराइड, मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इसी तरह अब इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नाम क्लेचर करना होगा तो कैसे कर लोगे, क्योंकि यहां पे एक ही कार्बन है, IUPAC सिस्टम की बात कर रहे हैं, साथ में IUPAC सिस्टम की बात कर लें, तो IUPAC सिस्टम में इस कंपाउंड का अगर आपको नोमेनक्लेचर करना होगा तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है और हैलोजन, IUPAC सिस्टम में हैलोजन का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे दो हैलोजन है तो हम लिखेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एक ही कार्बन है पैरेंट चेन में तो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो नंबर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो आपको नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कर लो इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं, अगर हम CH3CHCl2 ये कंपाउंड है तो कॉमन सिस्टम में तो इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन है इसके इथाइलिडीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। अब IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो यहाँ पे पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग आपको यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि इसी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़े हैं, तो ये वाली है 2, तो इसमें नाम जब लिखोगे तो आप लिखोगे 1 पे दोनों क्लोरीन है तो 1 1 डाई